हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिस्टिकेटी वाडिया चैनल। आज मैं आपको डबल कलर की कुर्ती का नेक बनाना सिखाऊंगी, डबल कलर का नेक बनाना सिखाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने नेक ड्रॉ कर लिया है और उसके बाद इसको कपड़े पर रख कर मैंने पिनअप कर लिया है। जिस नाप का हम अपना नेक कट करेंगे उसी नाप के बिल्कुल हमें अपनी पट्टी कट करनी है। और मेरा कुर्ता जो है वो लाइट कलर का है और यहाँ पर जो पट्टी मैं लगा रही हूँ इसमें वो डार्क कलर की है। तो हो गए ना हमारे डबल कलर की कुर्ती का नेक। तो नेक जो है वो डबल कलर का है और कुर्ती हमारी एक ही कलर की है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। किनारे किनारे सिलाई लगा लेते हैं राइट साइड की तरफ से, और जो नेक पार्ट में जुड़ेगा वहाँ पर हमें सिलाई नहीं लगानी। तो ये देखिए, कुर्ती का मैंने सेंटर पार्ट कर लिया है, कट भी लगा लिया और लाइन भी खींच ली है। रॉन्ग साइड पर हम इसको रखेंगे, जी हाँ रॉन्ग साइड पर रखेंगे, और इसको राइट साइड में टर्न करेंगे तो हमारी कुर्ती पर जो नेक पलट कर जाएगा तो वो डबल कलर का हो जाएगा। कुर्ती का कलर लाइट है और नेक जब पलट कर सामने जाएगा तो ये डबल कलर का नेक बन जाएगा, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाला है। तो पिनअप करने के बाद साइड साइड हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। बखिया थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम होने पर आप इसे आराम से खोल सको, और अगर आपका हाथ बिल्कुल सेट है तो आप किसी भी तरह की इस पर बखिया चला सकते हो, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। तो किनारे किनारे कपड़े को एडजस्ट करते हुए आपको धीरे धीरे अपने नेक को घुमाते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सिलाई जो है वो लगा ली है। इसके बाद इसमें नोचेस लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर साइड में से जो बीच में हमारा कपड़ा बचा हुआ है कुर्ती का, उसे कट करके बाहर निकाल देंगे, नोचेस लगा देंगे छोटे छोटे से। ध्यान से आपका जो सिलाई है वो ना कट जाए। और ये देखिए, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद, नोचेस लगाने के बाद नेक को हम फ्रंट साइड में पलट देंगे। बैक साइड में हमने ये नेक बनाया है, लगाया है, और इसको फ्रंट साइड में हम इसको पलट देंगे। सबसे पहले यहाँ पर टॉप स्टिच लगा देंगे। अभी हम रॉन्ग साइड पे ही हैं, फ्रंट साइड पे नहीं गए हैं। टॉप स्टिच लगाने से क्या होता है कि हमारा नेक जो है वो फिनिशिंग के साथ बनकर आता है। और इसी वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगी कि नेक कितना फिनिशिंग के साथ बनकर आया है, और जितनी भी एक्सेस सिलाई वगैरह है वो सब हम हटा देंगे जब हम इस पर तुरपाई करेंगे। तो ये देखिए, फिनिशिंग वाली सिलाई मैं लगा रही हूँ कपड़े को एडजस्ट करते हुए, बिल्कुल मैं एंड तक पहुँच गई हूँ। ये देखिए, ये हो गया हमारा नेक रेडी। तो साइड की सिलाई जो है मैं बाद में निकाल दूँगी। तो चलिए अब हम इसका कंधा जोड़ना भी आपको बता देते हैं। ये देखिए, कंधे जोड़ने के लिए आपको दोनों एक जगह रखने हैं और ऊपर नीचे पलटते हुए आप यहाँ पर कंधे जोड़ सकते हो। डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं अलग से बनाकर दिखा दूँगी आपको। तो देखिए, हमारा कंधा जो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जुड़कर रेडी हो गया है। इसी तरह से दूसरा कंधा भी मैं जोड़ लेती हूँ। यहाँ पर कंधे जोड़ने का तरीका दो तीन तरह से होता है, तो ये वाला तरीका मुझे सबसे बेस्ट लगता है क्योंकि इसमें धागे निकलने का भी चांस नहीं होता। तो ये आगे हमारा ब्यूटीफुल सा नेक बनकर रेडी हो गया है, और ये है हमारी कुर्ती। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।